असलम अरिवान तो कैसे हैं सब लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अगर क्रिकेट की दुनिया में लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स की बात की जाए तो पहले नंबर पे मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद एक लाख दस हजार की कैपेसिटी के साथ जबकि दूसरे नंबर पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का एक लाख चौबीस की कैपेसिटी के साथ यू मस्ट बी भी वॉन्डरिंग थर्ड नंबर पे कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है लार्जेस्ट तो ऐसे बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया और अब पाकिस्तान में भी बहुत जल्द फिफ्टी थाउजेंड की कैपेसिटी वाला स्टेडियम बन रहा है ऑब्वियसली ज्यादातर किसी भी स्टेडियम की कैपेसिटी उस कंट्री की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है ज्यादा लोग होंगे तो कैपेसिटी वाला स्टेडियम बनेगा इसके साथ साथ सिक्सटी थाउजेंड प्लस कैपेसिटी वाला स्टेडियम भी इंडिया में मौजूद है उसको हम थर्ड नंबर पर लार्जेस्ट कह सकते हैं लेकिन हाल ही में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे तो फाइनली आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो कि जयपुर में बनने जा रहा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड की कैपेसिटी के साथ तो जी हाँ आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है मैं आपको काफी डिटेल्स इंफॉर्मेशन दूंगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से इससे पहले मैंने पाकिस्तान और इंडिया के टॉप टेन क्रिकेट स्टेडियम की वीडियो भी शेयर की है वो भी आपको चैनल में मिल जाएगी आप जाकर देख सकते ते हैं और एज ऑलवेज ये बात मैं आपसे कहता हूं कि मेरी वीडियोज में काइंडली पॉलिटिक्स को ना लाइएगा पाकिस्तान इंडिया ना कीजिएगा मेरी वीडियो इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं होती बल्कि मेरी वीडियो को क्रिकेट की नज़र से देखिएगा क्योंकि मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ और क्रिकेट को ही सपोर्ट कर रहा हूँ और इसके अलावा भी मैंने बाकी की कंट्रीज के, के स्टेडियम्स पर भी वीडियोज बनाई हैं तो ऐसा नहीं है दुनिया में जहां जहां क्रिकेट की बात होती है तो मेरी कोशिश रहती है आप रिक्वेस्ट कर देते हैं मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे जयपुर में बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी 75,000 की सलाहियत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा स्टेडियम की डिटेल्स की तरफ आ जाते हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आर के सेक्रेटरी महेंद्र शर्मा ने बताया कि आलमी सतह के ग्रीन स्टेडियम में जदीद ग्रैंड पोलियन स्टैंड कॉरपोरेट बॉक्स आलिशान खेलों का मैदान जदीद क्लब हाउस और इनडोर खेलों की तरबियत की सहूलियात के लिए आलमी सतह के बहुत सी खसूसियात होंगी अगर स्टेडियम के एरिया की बात की जाए तो हंड्रेड एकर्स की ज़मीन

ब्रॉडकास्ट के लिए जदीद प्रेस बॉक्स के साथ साथ आई सी सी के रहनुमा असूलों के मुताबिक फ्लड लाइट्स भी लगाई जाएंगी स्टेडियम में तकरीबन फोर थाउजेंड गाड़ियों के लिए पार्किंग की फैसिलिटी भी मौजूद होगी जो कि बहुत अहम होता है किसी भी स्टेडियम के लिए स्टेडियम के बाहर दो मजीद प्रैक्टिस ग्राउंडस भी बनाए जाएंगे जिसमें क्लब क्रिकेट और रानजी ट्रॉफी के मैचेज़ होस्ट करने की सहूलत भी मौजूद होगी साथ में यहाँ पर रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज़ भी मौजूद होंगी और खिलाड़ियों के लिए मज़ीद तीस प्रैक्टिस पेजेस भी बनाई जाएंगे जहाँ पर वो अपने नेट प्रैक्टिस सेशन किया करेंगे और दो सौ पचास लोगों के लिए यहाँ पे गुंजाइश होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने के लिए तो ये कुछ मेन मेन फीचर्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और वीडियो को एंड तक देखिएगा मैं प्रॉपर इसको डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे बनेगा अब इसकी कंस्ट्रक्शन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेडियम को दो मरहलों में कम्प्लीट किया जाएगा यानी दो स्टेज होंगी पहली स्टेज में ऐसे होगा कि नीचे के स्टैंडस बनाए जाएंगे जिसमें फोटी फाइव थाउजेंड की कैपेसिटी होगी स्पेक्टेटर्स के लिए जब नीचे के स्टैंड तैयार हो जाएंगे उनमें चेयर्स इंस्टॉल हो जाएंगी तो उसके बाद मजीद थर्टी थाउजेंडें स्पेक्टेटर्स के लिए ऊपर डबल स्टोरी के स्टैंड भी बनाए जाएंगे तो इस तरह पूरी कैपेसिटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड पूरी हो जाएगी जहाँ तक आर्टिकल का सवाल है उसमें तो इस तरह बताया गया है कि पहले फोटी फाइव थाउजेंड चेयर इंस्टॉल की जाएंगी फिर उसके बाद थर्टी थाउजेंड और इंस्टॉल की जाएंगी दो मरहल में पूरा होगा तो ऑब्वियसली जब ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से तो पहले नीचे के स्टैंडस बनाए जाएंगे फिर उसके बाद ऊपर थर्टी थाउजेंड और स्पेक्टेटर्स के लिए स्टैंड बनाए जाएंगे लेट सी फिर कैसी कंस्ट्रक्शन होती है वो मैं आपको बता दूंगा कंस्ट्रक्शन uh, पर आने वाली कॉस्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट के माली पहलुओं पर बात करते हुए शर्मा ने कहा कि बीसीसीआई का आरसीए पर नबे करोड़ का कर्जा है और एसोसिएशन बोर्ड से सौ करोड़ की ग्रांट हासिल करके और मजीद सौ करोड़ रुपए बतौर कर्जा लेकर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी जबकि स्टेडियम के कार्पोरेट बॉक्स को फरोख्त करके सिक्सटी करोड़ रुपए को भी जमा किया जाएगा स्टेडियम के डिज़ाइन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ मेहता एंड एसोसिएट्स एल एंड डेली बेस्ड स्पोर्ट्स डिज़ाइन कंसल्टेंसी फर्म जी आर ए एस ग्रास ने एक डिज़ाइन पेश किया है आर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ सी जोशी और आर के प्रेजिडेंट वाई भाव गहलोत को ताकि वो इसको देखें और फिर इसको फाइनल करें क्योंकि स्टेडियम के डिज़ाइन को मेहता एसोसिएट्स एल और डेली बेस्ड स्पोर्ट्स डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म जी वाले डिज़ाइन करेंगे फिर जब इस डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन आर के चीफ और प्रेजिडेंट को दिखाई गई तो उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया और लेट्स सी अब स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन कब तक स्टार्ट होती है और उन्होंने ये भी बताया कि इस स्टेडियम को विद इन टू ईयर्स कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी ये डिज़ाइन जो आप वीडियो में देख रहे हैं स्टार्ट से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डिफरेंट आर्टिकल्स और मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी वहाँ पे भी ये डिज़ाइन दिखाया जा रहा है बट लेट्स सी देखते हैं अगर कोई चेंजेस वगैरह आई तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा बाकी ये डिज़ाइन हर जगह पे दिखाया जा रहा है जिसके बाहर साइड पर आप दो और प्रैक्टिस ग्राउंड्स भी देख सकते हैं और इस साइड पे मेन बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दिखाई दे रहा है साथ में इस मीटिंग में ये भी डिस्कस किया गया है कि इस स्टेडियम पे डोमेस्टिक क्रिकेट और जितनी भी हमारी लीग्स वगैरह होती हैं उसके टूर्नामेंट्स भी यहाँ पर होस्ट किए जाएंगे जिसमें मैन वुमेन कैटेगरी दोनों आ जाती हैं तो यहाँ पर हर तरह के इंटरनेशनल और नेशनल मैचेज़ होस्ट किए जाएंगे साथ में यहाँ पे जितने भी डिफरेंट कैटेगरीज के प्लेयर्स हैं और टीमें हैं उनके लिए कोच स्टाफ भी मुकर किया जाएगा अब थोड़ा सा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आ जाते हैं लेकिन उससे पहले यकीन आर सी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वालों ने काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव उठाया है इस तरह का क्रिकेट स्टेडियम कंट्री में बनाने का सोचा है बट इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैंने काफ़ी सारे इंडियन व्यूअर्स के ऐसे कमेंट्स रीड किए थे जिसमें वो लोग कह रहे थे कि अगर ये पैसा एजुकेशन पर खर्च किया जाए और यहाँ की पॉवर्टी को ख़त्म करने पर खर्च किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा क्योंकि सिर्फ क्रिकेट पर ही फोकस किया जा रहा है हर सिटी में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सोचा जा रहा है और उनकी बात कहीं हद तक ठीक भी थी क्योंकि अगर आप देखें तो हाल ही में काफ़ी सारे ऐसे स्टेडियम्स थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे और क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस हो रहा है इन लोगों की बात भी काफ़ी हद तक ठीक है आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसको भी देखें कि अभी हाल ही में मोटारा क्रिकेट स्टेडियम बना अब ये राजगिर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन है इसके अलावा मोलमपुर क्रिकेट स्टेडियम पी का न्यू क्रिकेट स्टेडियम और ऐसे दो तीन और भी हैं बट मेज़ मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं कह रहा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ वीडियो में शेयर कर दिया करूं इस प्रोजेक्ट का तो मुझे नहीं पता लेकिन राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और मोडा स्टेडियम पर कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स मुझे रीड करने को मिले थे तो ये तो थी बड़ी बड़ी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए और जितनी भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी उसके वाले से मैंने इनफॉमे दी साथ में एरिया को भी डिस्कस किया और इस पर आने वाले कॉस्ट के बारे में भी आपको इनफॉमेशन दी तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा मैं टाइम के साथ साथ अपडेट्स देता और कम्पेरिजन भी कर लेंगे जैसा मैंने मालबर्न क्रिकेट ग्राउंड और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के किया था इसी तरह इसका भी कंपैरिजन कर लेंगे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स के साथ इसके अलावा भी मैंने काफ़ी स्टेडियम के कंपैरिजन किए हैं मोटारा क्रिकेट स्टेडियम का मैंने आस्ट्रेलिया के ऑप्टेस्ट क्रिकेट स्टेडियम के साथ भी कम्पेरिजन किया जो नया स्टेडियम बना है वहाँ पे साथ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इंडिया की किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं आप सबके कमेंट्स रीड करता हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि रिप्लाई भी ज़रूर दूँ इसके साथ साथ मैं इंडिया के अपकमिंग क्रिकेट स्टेडियम्स पर भी वीडियोज़ बना चुका हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन एक्शन है या जहाँ पे काम हो रहा है वो वो लिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी आप जाइएगा चैनल में और वहाँ पे इंडियन क्रिकेट स्टेडियम्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा वहाँ पे आलमोस्ट मैंने तमाम स्टेडियम्स पे वीडियो बनाई हुई है इसी तरह श्रीलंका में भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्रिकेट स्टेडियम का बताया गया है उस प्रोजेक्ट पर अभी काम शुरू नहीं हुआ हर मैं आपको अपडेट दूंगा उसकी भी और गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नेपाल पे काम शुरू हो गया उसकी भी एक अपडेट बहुत जल्द शेयर करूंगा तो कहने का मतलब यह है कि इस चैनल पे आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा चाहे वो जनरल नॉलेज हो या अपडेट्स हो या कोई भी वीडियो हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आकर फॉलो कर लें वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं इसके अलावा एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के हवाले से जो टाइम के साथ साथ अपडेट हो जाती हैं वो मैं अपनी लेटेस्ट वीडियोस में बता देता हूं तो आप नई वीडियोस के साथ अपने आप को अपडेट रखिए ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे और वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें जब आप वीडियो लाइक कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करता हूँ और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज से वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैंने पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम्स के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज के स्टेडियम्स पर भी वीडियोज बनाई हैं तो आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा आई एम श्योर आपको कंटेंट पसंद आएगा और वीडियो के आखिर में एक ही मैसेज ऑलवेज स्प्रेड लव पीस एंड यूनिटी हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें दूसरे चैनल पर भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दिस यियो बॉय हामिद ऑफ टेक केयर अल्लाह